नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या चांद पर इंसान के उतरने का दावा झूठ था। इसके बारे में लोगों की दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है और अभी तक चांद पर किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे क्या सच है और क्या झूठ, जिससे आप समझ सकेंगे कि चांद पर कोई आदमी उतरा था या नहीं। 1969 में जब चांद पर लैंडिंग करने का प्रसारण हुआ था तो इसे लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक चांद पर किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यहाँ तक कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ही ऐसे 5% लोग हैं जो कहते हैं कि चांद पर लैंडिंग एक बहुत बड़ा झूठ है। हालांकि ऐसा मानने वालों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ने में समय नहीं लगता और आज पूरी दुनिया में ये बात फैल गई है। तो इसलिए आज हम आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये बात झूठ है या सच। तो आइए बात करते हैं चांद पर इंसान की पहली बार कदम रखने की पूरी कहानी के बारे में। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। वो मून पर उतरने वाले पहले इंसान थे। नील नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मिशन की कामयाबी और हालात को संभालने की जिम्मेदारी नील पर ही थी। नील के सामने उबड़ खाबड़ चांद की सतह थी और उनके यान में ईंधन भी कम था, लेकिन नील ने अपने हौसले से बड़ी आसानी से यान को चंद्रमा पर उतार लिया। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच लिया। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग के अलावा बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे। नील के बाद उन्होंने ही चांद पर कदम रखा। उसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर जाने वाले यूजीन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है और आधी से भी ज्यादा सदी बीतने के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर फिर से इंसान का मिशन भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे जुड़े मिशन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अब ये सवाल है कि अमेरिका या किसी और देश में आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा गया। ऐसी ही कुछ धारणाओं की वजह से लोग मानते हैं कि हकीकत में अमेरिका ने कभी चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा ही नहीं है। दरअसल लोग यूं ही ऐसा नहीं कहते, इसके पीछे कई तरह की वजहें हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, चांद पर इंसान के उतरने का दावा झूठा था। चांद पर इंसान के उतरने वाली बात को न मानने के पीछे लोगों का तर्क है कि 1960 के दशक में जब अमेरिका अपने अंतरिक्ष तकनीक की कार्यक्रम की वजह से चंद्र मिशन से छूट गया था तो यूएसएसआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया था। अपोलो 11 के वापस आने के बाद से ही इसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठने की कहानियां शुरू हो गई थीं। जब नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि मानव के लिए ये छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। इन अफवाहों और कहानियों को हवा तब मिली जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज 30 बिलियन डॉलर स्विंडल। ये किताब पत्रकार बिल केसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में ऐसी कई बातों और तर्कों का उल्लेख था जिनसे लगता है कि चांद पर इंसान के उतरने का दावा झूठा था। किताब में बताए गए तर्क कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, बिना हवा के चांद पर लहराता झंडा। किताब में एक तस्वीर को दर्शाते हुए बताया गया है कि चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, जबकि चांद पर हवा होती ही नहीं है, तो ये झंडा वायुहीन वातावरण में कैसे लहरा सकता है। नासा का कहना है कि फ्लैग की डंडी एल टाइप की थी और चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती से 4 गुना कम होता है, इसलिए फ्लैग लहरा रहा था। दूसरा, बिना तारों का आकाश।
चांद पर इंसानी यान लैंडिंग को झूठ मानने वाले लोगों का एक और तर्क है कि तस्वीरों में बिना तारों का आकाश दिख रहा है, जबकि आसमान में करोड़ों तारे हैं जो चांद से भी दिखाई देते होंगे। और नासा का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा सूरज की रोशनी को दर्शाती है, जिससे चांद की चीजें चमकती हुई नजर आती हैं, और ये आसमान के सितारों की रोशनी को कम कर देती है। तीसरा, नकली पैरों के निशान। चंद्रमा पर दिखे पैरों के निशान को भी लोग नकली मानते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा की सतह पर नमी की वजह से इस तरह के निशान पढ़ ही नहीं सकते जिस तरह तस्वीर में दिखाए गए हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन का कहना है कि चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल के कणों से ढका हुआ है, जिससे उसकी सतह पर कदम रखने से इस तरह के निशान आसानी से पड़ जाते हैं। चौथा, चांद पर यान उतरने के निशान क्यों नहीं है। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने और लैंड कराने के लिए स्पेस शटल से सतह पर गड्ढा बन जाता है, लेकिन चांद पर स्पेस शटल उतरने का कोई गड्ढा क्यों नहीं बना। नासा का कहना है कि उन्होंने स्पेस शटल इस तरीके से बनाए थे कि उतरने पर काफी कम जोर जमीन पर डालें, इसलिए स्पेस शटल के चांद पर उतरने का कोई गड्ढा नहीं बना। पांचवा, एक से ज्यादा प्रकाश स्रोत का होना। लोगों का कहना है कि नासा की दर्शाई हुई तस्वीर में चीजों की छाया को देखकर पता चलता है कि वहां प्रकाश के एक से ज्यादा स्रोत हैं, जबकि हमारी सूर्यमाला में केवल सूर्य ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत है। इसमें नासा का तर्क है कि चांद की उतार चढ़ाव वाली सतह की वजह से चीजों की छाया इस तरह से दिखाई दे रही है। छठवा, इतने प्रकाश ने अंतरिक्ष यात्रियों को मार दिया होगा। सबसे प्रसिद्ध अफवाह है कि पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश की एक बेल्ट है, जिससे अंतरिक्ष यात्री मर गए होंगे। इस बेल्ट को वैन एलन के नाम से जाना जाता है, जो हवा और पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति को जोड़ने का काम करती है। नासा के अनुसार अपोलो 11 ने वैन लैन में 2 घंटे से भी कम समय बिताया था। जहां पर प्रकाश पहुंचता है वहां पर सिर्फ 5 मिनट का ही वक्त बिताया था। जब नासा की फोटो दुनिया के सामने आई तो लोगों को उनमें एक अलग बात दिखाई दी। अंतरिक्ष यात्री के हस्बैंड में कुछ अलग चीज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब किसी वायर से लटकने वाली चीज का है। ऐसी कोई चीज चांद पर होने का सवाल ही नहीं है, तो आखिर क्या हो सकती है ये चीज। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्पॉटलाइट है जो फिल्म स्टूडियोज में होती है, जो अक्सर फिल्म स्टूडियोज में ऊपर से लटकाई जाती है। इसका जवाब आसान नहीं था। नासा ने फोटो पुअर क्वालिटी की वजह से ऐसा दिखाई दे रही है ये कहकर बात टाल दी। आठवां, चांद पर चलने का तरीका। चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम होती है, इसलिए वहां पर चलने पर उछलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये सीन फिल्म स्टूडियो में स्लो मोशन से बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड में चलाएं तो ये धरती पर चलने जैसा होगा। सच क्या है इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, पर हाँ, स्लो मोशन वॉकिंग से ऐसे उछाल वाले वीडियोस बनाए जा सकते हैं। नौवा, सी रॉक। इस फोटो पर भी काफी विवाद हुआ, जिसमें सी लेटर साफ दिखाई दे रहा है। इसके आकार से आसानी से मालूम पड़ता है कि ये चांद का नहीं है। लोग मानते हैं कि इस तरह की मार्किंग फिल्म स्टूडियोज में पाई जाती है। और दसवा है, क्रॉस हेयर। इस मिशन में चंद्रयान के समय फोटो लेने के लिए जिन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें तस्वीर अच्छे से फोकस करने के लिए क्रॉस हेयर उपयोग होते थे। ये सभी तस्वीरों में है, लेकिन कुछ क्रॉस हेयर फोटो में चीजों के पीछे दिखाई देते हैं। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि नासा ने चांद की असली फोटोज के ऊपर चीजों को डालकर नए फोटोज बनाए थे, जो ओरिजिनल जैसे लगते हैं। इस अमेरिकी मिशन को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं। जो इसे नहीं मानते हैं उनके पास गिनाने के लिए और भी कई वजहें हैं। दूसरी ओर नासा के पास इनके पुख्ता सबूत हैं। अपोलो 11 मिशन की हकीकत और प्रूफ। नासा ने हाल ही में अपोलो लैंडिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि चंद्रमा पर सच में लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों के अलावा नासा की अपोलो लैंडिंग वेबसाइट भी है, जिस पर आपको अपोलो मिशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप अपोलो लैंडिंग का पूरा वीडियो देख सकते हैं।
यह भी बताया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे आज भी खड़े हैं। नासा की वेबसाइट पर दी गई जानकारियां ऊपर बताई गई अफवाहों को खारिज कर देती हैं और इस बात की पुष्टि करती हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। लेकिन अगर ऊपर बताई गई बातें सच हैं, तो इनकी हकीकत अब तभी पता चलेगी जब कोई व्यक्ति चांद पर उसी जगह जाए जहां पर अमेरिकी वैज्ञानिक उतरे थे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चंद्रमा कोई घर नहीं है जहां पर आसानी से उस जगह को ढूंढ लिया जाए जहां पर अमेरिकी यान उतरा था। खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, भविष्य में इसका पता लग ही जाएगा और तब अमेरिका की हकीकत सामने आ जाएगी। एक बात और भी है, अगर चंद्रमा पर कदम रखने की बात झूठी है तो सोवियत संघ ने चांद पर आदमी भेजने का गुप्त अभियान क्यों चलाया था? दूसरी बात यह भी कि इस झूठे मिशन का उसने विरोध क्यों नहीं किया था, जबकि उसके पास ऐसा करने की सोच और हिम्मत दोनों थी। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। इससे समझा जा सकता है कि वाकई में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।